हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कुक ब्रांड की एक और बेहतरीन कॉमिक्स, जिसका नाम है कुक ब्रांड और राम नाम सत्य है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इसका कवर पेज नहीं है मेरे पास, पहला पेज से शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार कुक ब्रांड और मोटू ने एक नाटक में भाग लिया, लेकिन उनकी बदकिस्मती से वहां एक खून हो गया। अरे बाप रे, इसका तो किसी ने खून कर दिया। खून 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 के इस इल्जाम में कुक ब्रांड और मोटू पकड़े गए। अब क्या होगा बॉन्ड भैया? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। कुक बरान के पिता धमाका सिंह ने उन्हें हवालात से छुड़ाया। घर पहुंचकर उनके हाथ एक महत्वपूर्ण सूत्र लगा। खन खन खन। वह महत्वपूर्ण सूत्र एक था, एक सोने का सिक्का। यह सिक्का मेरी जेब में कहां से आया? कुक बरान को अपनी जेब में कागज का एक पुर्जा भी मिला, जिस पर लिखा था, मिस्टर कुक बरान, कांपती धरती के लोग खतरे में हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। आपका JX। कुक ब्रांड जब मोटू और मनमोजी के साथ खून की तफ्तीश के में घर से बाहर निकले, तो दो बदमाशों ने उसकी सुपर कार को नुकसान पहुंचाना चाहा। तुम कार के नीचे पहुंचो, मैं ऊपर देखता हूँ। ठीक है, लेकिन खटा उफ, यह क्या हुआ? आई, सुपर कार ने अब उन्हें अपनी कैद में ले लिया। जब अकुक ब्रांड व मोटू मोदी के साथ अपनी कार के नजदीक पहुंचे, मास्टर, दो बदमाशों ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उन्हें कैद कर लिया है। यह तुमने बहुत अच्छा किया मिस्टर हेल्डर। अब तुम हमें खुफिया अड्डे नंबर 2 पर ले चलो, इनसे हम वहीं पूछताछ करेंगे। परंतु अपने खुफिया अड्डे पर जाते समय मार्ग में उन पर दो विभिन्न प्रकार से आक्रमण हुआ। तर तर तर। परंतु सुपर कार ने दुश्मनों के उन आक्रमणों को न केवल विफल कर दिया, बल्कि आक्रमणकारियों को नष्ट भी कर दिया। बड़ा बड़ा। फिर जब कुक बरान ने अपने अड्डे पर पहुंचकर दोनों बदमाशों से पूछताछ करने की कोशिश की, तो उनके भी परखच्चे उड़ गए और कुक बरान व मोटू के अपराधी तक पहुंचने के सारे मार्ग बंद हो गए। बड़ा बड़ा। आई ओ, प्यारे दोस्तों, यहां तक की कहानी आप मनोज चित्र कथा के पिछले 2 अंक, कुक ब्रांड और कांपती धरती के लोग, वह कुक ब्रांड और सोने का सिक्का में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ें। कुछ देर तक तो कुक ब्रांड और मोटू गुमसुम से खड़े फटी फटी आंखों से जमीन पर पड़ी दोनों लाशें देख रहे थे। फिर मोटू गुर्राए स्वर में बोला, कौन भैया, यह तो हम यमराज जी को प्यारे हो गए। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? पहले इन दोनों लाशों को ठिकाने लगाते हैं, उसके बाद आगे का प्रोग्राम सोचेंगे। दोनों ने मिलकर जल्दी ही उन लाशों को निकटवर्ती खाई में फेंक दिया। तत्पश्चात वे पुनर्गुफा में आ गए। अब क्या बताओ? हाँ, अब बताओ क्या प्रोग्राम है। ठहरो, पहले अपने इन भूत पिशाचों को वापस इनके यथास्थान पर भेज दूं, फिर बताऊंगा। दरअसल वे नरकंकाल व खोपड़ी कोई सचमुच के भूत प्रेत नहीं थे, बल्कि कुक ब्रांड के इजाद किए रोबोट थे। उन्हें ताली बजाकर कंट्रोल किया जा सकता था। अतः कुक ब्रांड के ताली बजाते ही वे सब भयानक ठहासे लगाते हुए थप थप हाहाहा। उसके बाद, यार मोटू, क्या तुमने अपनी अकल पर जोर देकर इस विषय पर सोचा है कि मृतक नाटक के दौरान ही हमसे मिलने क्यों पहुंचा था? ही। कौन भैया, यदि मुझमें इतनी ही अकल होती तो तुम मेरे चेले होते और मैं तुम्हारा गुरु। कुछ वाह, यह कि तुमने जिंदगी में पहली बार अकल की बात। अब तुम मेरी अकल की बात वह अब सुनो मेरी अकल की बात। वह व्यक्ति जरूर हमारे घर गया होगा, और जब उसे पता चला होगा कि हम नाटक में भाग लेने गए हैं, तो वह वहां पहुंच गया होगा। यह तो बड़ी साधारण सी बात है, भला इसमें अकल लड़ाने की क्या बात है? बोन भैया, यदि तुम सचमुच महान जासूस हो तो अकल लड़ाकर इस रहस्य को सुलझाओ कि उस मृतक ने कागज के पुर्जों के पुर्जे के साथ साथ सोने का सिक्का तुम्हारी जेब में क्यों डाला? यार, अब इतना ही अकल मुझ में होती होती तो मैं जेम्स बोन का गुरु ना बन गया होता। खैर, ठहरो, मैं इस सिक्के का एक बार फिर से निरीक्षण करता हूँ। सिक्के का निरीक्षण करते करते यकायक कुक बरान चौंक कर उछल पड़ा। वे मारा का क्या क्या हुआ? यह तुम मेढक की तरह फुदक क्यों फुदके क्यों? अबे बकवास बंद कर और जल्दी से आ आ आतिश शीशा निकाल। ओ,
अब समझा कि इस सोने के सिक्के में क्या रहस्य छिपा हुआ है। क्या रहस्य छिपा हुआ है बॉन्ड भैया, कुछ मुझे भी तो बताओ। यह देखो, इसमें छोटे छोटे कितने छिद छिद्र हैं। ओह हाँ, लेकिन सिक्के पर यह छिद्र क्या मायने रखते हैं? जरूर यह नए तरीके का कोई टेप है। ठहरो, मैं अभी इसका परीक्षण करता हूँ। अगले ही पल, मिस्टर हेरगेल, मैं इस सिक्के रूपी टेप का रहस्य जानना चाहता हूँ। तो फिर देर क्या है मास्टर, बटन दबाकर मेरा मुंह खोलिए और यह सिक्का मेरे मुंह में रख दीजिए। कुकबरा ने हेरडेल के सिर पर लगा एक बटन दबाया तो तुरंत ही हेरडेल का मुंह खुल गया। बॉन्ड ने वह सिक्का उसके मुंह में डालकर कटा पुनर वही बटन दबाकर उसका मुंह बंद कर दिया। शीघ्र ही हेरडेल के मुंह से एक अपरिचित आवाज निकलने लगी। नमस्कार मिस्टर कुकबरान, मुझे विश्वास है कि इस समय आप मेरी आवाज पहुंच रही होगी। नमस्कार मिस्टर कुकबरान, मुझे विश्वास है कि इस समय आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। मैं आपके लिए अजनबी हूं, लेकिन आप मेरे लिए अजनबी नहीं। इसीलिए मैं आपसे अपने तथा अपने देशवासियों के लिए मदद मांगने की हिम्मत कर रहा हूं। मेरा नाम प्रोफेसर जे एक्स है और मैं कांपती धरती का किंग हूं। वैसे तो बरसों से हमारे देश में सुख शांति और खुशहाली थी, लेकिन गत 1-1.5 वर्षों से कुछ गोरे लोगों ने हमारे सुख शांति व अमन चैन सब कुछ छीन लिया है। उन्होंने न केवल हमारे देशवासियों पर अमानुष जुल्म ढाए हैं, बल्कि उन्होंने उन्हें पकड़ पकड़ कर पीली धातु की खानों पर भी काम कराने लगे हैं, जिसे आपके देश में सोना कहा जाता है। वैसे तो हमारा देश विज्ञान के मामलों में आपके देश व अन्य दुनिया से बहुत आगे है, लेकिन शारीरिक क्षमता में हम लोग छोटे कद व कमजोर शरीर के कारण बहुत ही कमजोर हैं। यही कारण है कि हम उन गोरे लोगों से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और धीरे धीरे उनके दास बनते जा रहे हैं। हो सकता है इस संदेश के पहुंचने तक मैं भी उन गोरे लोगों की कैद में पहुंच चुका हूं और मेरा देश उनका गुलाम हो चुका हो। मिस्टर कुकबरान, मैं इस टेप से ज्यादा बातें नहीं कर सकता। बस इतना समझ लीजिए कि उन गोरे लोगों के कारण कांपती धरती के लोग का जीवन खतरे में है और उन्हें आपकी मदद की सख्त आवश्यकता है। आप जल्द से जल्द हमारे देश पहुंचने की कृपा करें। कांपती धरती तक पहुंचने का मार्ग इस सिक्के पर दर्शाया गया है। फिर भी मैं आपको समझाए देता हूँ। आवाज आती रही तथा बॉन्ड व मोटू उस आवाज को ध्यान से सुनते रहे और जब आवाज आनी बंद हुई, क्यों प्यारे मोटू, अब आया सोने के सिक्के का रहस्य तुम्हारी समझ में बिल्कुल आ गया और इसी के साथ यह बात भी मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गई कि उस व्यक्ति का खून क्यों किया गया था तथा बार बार हमारे जान लेने की कोशिश क्यों की गई थी। यानी गोरे लोगों के एजेंट यह नहीं चाहते थे कि प्रोफेसर जेक्स का संदेश हम तक पहुंचे और हम कांपती धरती तक पहुंचने का प्रयत्न करें। गुड, जबकि अब हम कांपती धरती पर अवश्य जाएंगे। लेकिन बॉन्ड भैया, क्या गोरे लोगों के एजेंट या वे सब हमें इतनी आसानी से कांपती धरती पहुंचने देंगे? अरे उनकी तो ऐसी की तैसी, तेरे और मनमोजी के रहते उनकी क्या बिसात जो हमारे सामने सर उठाने की भी हिम्मत कर सके। कुकबरान की बात सुनकर मोटू का सिर गर्व से तन गया। ही, यह बात तो है बॉन्ड भैया। मिस्टर हेल्डर, क्या तुमने कांपती धरती का मानचित्र अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से बिठा लिया है? बिल्कुल मास्टर, अब वहां का मार्ग मेरे पटल पर पूरी तरह से अंकित हो चुका है। गुड, तो तुम मोटू और मनमोजी को लेकर बाहर पहुंचो, मैं द्वार बंद करके आता हूँ। ओके मास्टर। फिर मोटू और मनमोजी के कार पर सवार होते ही वे कार उन्हें लेकर बाहर की ओर चल पड़ी। कुकबरान ने अपने खुफिया अड्डे का द्वार बंद कर दिया और मोटू की बगल में आकर बैठ गया। चलो मिस्टर हेल्डेल, अब अपनी मंजिल मंजिल तय करें। अभी लो मास्टर। अगले ही पल सुपर कार उस पहाड़ी मार्ग से निकलकर एक अन्य मार्ग पर तीव्र गति के साथ दौड़ पड़ी, लेकिन कुकबरान आदि इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ थे कि एक अन्य कार का चालक उन पर काफी समय से नजर रखे हुए था। वे लोग शायद कांपती धरती की ओर ही जा रहे हैं। मुझे तुरंत कमांडो बेफोर्ड को सूचित करना चाहिए।
हेलो हेलो कमांडर बेफोर्ड, जैक कॉलिंग हियर। हेलो हेलो शीघ्र ही। हेलो कमांडर बेफोर्ड हियर, क्या रिपोर्ट है? सर, कुक ब्रांड अपने साथी के साथ दक्षिण की ओर रवाना हो गया और मुझे विश्वास है कि वह कांपती धरती पहुंचने की कोशिश करेगा। ओह खैर, तुम चिंता ना करो, मैं अभी उन्हें ठिकाने लगाने के तमाम उपाय करता हूँ। वैसे हमारे काले एजेंट का क्या हुआ? वे सभी कुक ब्रांड के हाथों मारे गए और हमारे सारे आक्रमण विफल हो गए। यह कमबख्त कुक ब्रांड काफी तेज और चालाक किस्म का छोकरा जान पड़ता है। खैर, हम उसे निपट लेंगे, तुम अपना काम देखो। ओके, ओवर एंड ऑल। ट्रांसमीटर बंद करने के बाद मुझे फिलहाल कुक ब्रांड का पीछा करना चाहिए। मौका मिलेगा तो मैं ही उसे ठिकाने लगाने की कोशिश करूंगा। अतः जैक ने भी अपनी कार उसी दिशा में दौड़ा दिया जिधर कुक ब्रांड की सुपर कार गई थी। अरे, दूर दूर तक उस कार का पता नहीं, इतनी जल्दी वह कहाँ चली गई? उसने गति बढ़ाई तो कुछ देर बाद उसे सुपर कार जाती दिखाई दी। गजब है, इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रही है कि संदेह वह सुपर कार है, वरना अब तक वे मेरी सुपर पावर कार उससे आगे निकल चुकी होती। वो हमारा पीछा किया जा रहा है। सावधान मिस्टर हेल्डर, दुश्मन फिर हमारा पीछा कर रहा है। उसका मैं अभी सफाया किए देता हूँ मास्टर। अगले ही पल टेल लाइट के स्थान से दो रॉकेट निकले। खट सक सक। अरे बाप रे, रॉकेट से हमला, अब बचना मुश्किल है। और इससे पहले कि वह अपने अपने बचाव का कोई उपाय कर पाता, ब्रूम ब्राम, वाह, यह दुश्मन भी साफ हुआ। ज्यादा खुश मत हो प्यारे मोटू, मुझे विश्वास है कि इस तरह के कई और दुश्मन हम पर घात लगाए बैठे होंगे। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।